मैं नितिन न्यूरोलॉजी स्लीप सेंटर से आपके समक्ष मैं इस बार आपको स्लीप एपनिया के विषय में बताने वाला हूँ। कौन से आसन, कौन से प्राणायाम आपके स्लीप एपनिया में सहायक हो सकते हैं? आपको कितना भी पुराना स्लीप एपनिया हो या स्नोरिंग हो, कोई भी गले से संबंधित जो भी समस्या हो, वो आप इससे दूर कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको वज्रासन में बैठ के सिंहासन किस प्रकार से होता है ये बताएंगे। पहले आप वज्रासन में आ जाइए, इस पोजीशन में। वज्रासन के में आने के बाद आपको आगे से लेग खोलना है, पीछे से मिला लेना है, क्रॉस नहीं करना। हथेलियों को इस प्रकार से कीजिए और शेर के मुंह के समान, जैसे शेर बैठते हैं उस प्रकार से बना लीजिए। आपको सांस लेना है, माउथ को, जीभ को पूरा बाहर निकालना है, उस शेर की धार निकालनी है। देखिए एक बार, ये सिंहासन है। आपको ये करते समय आराम से करना है, जितना आप आराम से कर सकते हो उतना आराम से आप ये आसन कीजिए। ये गले की ग्रंथियों को, हमारे गले की ग्रंथियों को स्ट्रोंग करता है, मसल्स को स्ट्रोंग करता है और जितनी भी गले से संबंधित समस्याएं हैं उनको दूर करता है। इस आसन के बाद एक बार फिर देखिए, इस आसन के बाद आपको हैंड स्क्रब करने हैं तेजी से और आपको गले पे लगा लेना है, जिससे आपके हाथों की जो गर्मी है वो आपके गले की मसल्स को रिलैक्स पहुंचाए। आपको इसके फायदे बताते हुए हम कहते हैं कि ये स्लीप एपनिया के लिए, थायराइड, जिनको टोंसिल और जिनको गले से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभकारी है। अगर किसी को बीपी हाई है या किसी को सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इस अभ्यास को वो बिल्कुल किसी की देखरेख में करें या किसी से सलाह मशवरा करके तब उस इसको करा जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं। धन्यवाद।